भाई हमने बता दिया कि हमको लगा हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे, आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। उसके बाद नीतीश कुमार जब पहुंचे मुख्यमंत्री आवास तो अपनी गाड़ी से बाहर निकले। नीतीश कुमार वहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने इस सरकार से इस्तीफा दिया, वजह क्या कुछ है, आपको सीधे सुनवाते हैं। चारों तरफ से राय आ रही थी तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है, क्या लोग बता गए थी महागठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन डेढ़ महीना से बनाए थे, डेढ़ साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था, तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। मैंने जो कर दिया, आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे, आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सबकी रुकी थी, अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया, हम लोगों को बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना, आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों हुई सर? नौबत क्यों हुई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आपको? बीजेपी का महागठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, जो नया गठबंधन डेढ़ महीना से बनाए थे, डेढ़ साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है,
और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग खराब लग रहा है, इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। अवसरवादी है आपकी सर, भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे, आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। सर आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, उसका जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। छोड़ दिया सर,